दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे मुकाबले में भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने खास उपलब्धि हासिल की। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हुए। ऐसा करने वाले वह भारत के 8वें खिलाड़ी बने। इस खास उपलब्धि के बाद अब उनका नाम सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग और मोहम्मद अजहरुद्दीन की लिस्ट में शामिल हो गया है। इस आंकड़े तक पहुंचने के मामले में उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को पीछे छोड़ा। इस लिस्ट में सबसे ऊपर भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली का नाम है। उन्होंने महज 333 पारियों में ही अपने 15,000 इंटरनेशनल रन पूरे कर लिए थे। दूसरे स्थान पर 356 पारियों में ऐसा करने वाले दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम है। राहुल द्रविड़ ने 368 पारियों में इस मुकाम को हासिल किया था और वह तीसरे नंबर पर है। वीरेंद्र सहवाग ने 15,000 रन पूरे करने के लिए 371 पारियां खेली थी, जबकि रोहित ने 396 पारियों में इसे पूरा किया। रोहित ने इस आंकड़े तक पहुंचने के मामले में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और मोहम्मद अजहरुद्दीन को पीछे छोड़ा। गांगुली ने 400 तो अजहरुद्दीन ने 434 पारियों के बाद यह आंकड़ा छुआ था। और वही पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को 15,000 इंटरनेशनल रन बनाने में 452 पारियां खेलनी पड़ी थी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। क्रिकेट के ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।